Currently, we are in a section 4, about to check out the last video of the section. Switch case क्या होता है और इसका हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे और सिंटेक्स देखेंगे बोर्ड पर, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे डार्ट पैड के एडिटर पर और बहुत सारे प्रोग्राम को हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग स्विच केस, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा स्विच केस को लेकर। तो चलिए चलते बोर्ड पर। हेलो एवरीवन, तो आज हम देखेंगे स्विच केस क्या होता है। तो इसका सिंटेक्स जानने से पहले ये क्यों आया मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने इसके पहले का वीडियो देखा है कि इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट क्या होता था, एक कंडीशन इफ अगर ट्रू हुआ तो उधर रन हो जाएगा, अगर वो फॉल्स होता था तो दूसरे पार्ट में जाता था। मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसे इफ कंडीशन अगर ट्रू होता था तो इसके बीच में जाता था, अगर ये कंडीशन ट्रू होता था तो ये वाला पार्ट रन होता था, अगर ये फॉल्स होता था तो आप क्या करते थे, इफ एल्स इफ कंडीशन, जो भी कंडीशन देते थे आप कंडीशन, फिर ये वाला ब्रैकेट, ये रन होता था, फिर वापस से आपको एक और कंडीशन चेक करना है, अगर ये भी फॉल्स हो गया तो एल्स इफ वापस से लिखते थे आप और कंडीशन और ब्रैकेट ब्रैकेट, और इसके पार्ट में जो रहता था वो रन होता था, और लास्ट में आपका आता था एल्स ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो अगर ये सारे कंडीशन फॉल्स हो जाते थे वहाँ पर इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट में, तो ये लास्ट वाला पार्ट रन होता था। ओके, तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा हम लोग आ गए डायरेक्ट स्विच केस पर। ओके, तो स्विच केस क्या है, बहुत ईजी है। सिंटेक्स इसका क्या है, स्विच लिखना है आपको, स्विच सारे स्मॉल में रहेंगे, लेटर्स सारे स्मॉल में, लेटर स्विच आपको यहाँ पर लिखना है वैल्यू, और ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इंटीजर कैरेक्टर स्ट्रिंग कुछ भी यहाँ पे वैल्यू हो सकता है। उसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करना है। ओके, अभी यहाँ पर आपको केसेस डिक्लेयर करने होते हैं, केस सारे स्मॉल में रहने वाले लेटर, केस यहाँ पर अगर मैंने वन लिख दिया और सेमी कोलन, यहाँ पर स्टेटमेंट आपको जो लिखना है वो लिख दो, जैसे प्रिंट कराना है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहाँ पर लिख दिए केस टू कोलन, स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे टू लिख दिया। इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ, केस थ्री, स्टेटमेंट आपको जो भी यहाँ पे करना है वो कर लिए, फिर इसी तरह से केसेस बढ़ते जाएंगे। ओके, और लास्ट में एक जो रहेगा अपना डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टेटमेंट आपको जो भी प्रिंट कराना है वो। तो ये देखो, ये अभी इससे रिलेट करके देखते हैं हम लोग कि देखो, और हाँ यहाँ पे वैल्यू जो होगा ना, तो यहाँ पे जो आप लिखोगे केस के बाहर क्या, 1 2 3, तो मतलब जो वैल्यू रहेगा वो इंटीजर होगा, तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। जैसे मैंने ले लिया int value equal to 2, तो क्या होगा, वैल्यू का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 यहाँ पर आएगा स्विच 2, तो डायरेक्टली ये केस 1 पे नहीं जाएगा, डायरेक्टली मूव करेगा यहाँ पर केस 2 और देखेगा कि उसका स्टेटमेंट क्या है वो रन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से चीज़ें वर्क करेंगी। जैसे अगर मैं इसको 3 पुट कर दिया तो यहाँ पर स्विच 3, तो डायरेक्टली वो स्विच कहाँ पे होगा, 3 पे होगा यहाँ पर, और ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसका मतलब है। जैसे अभी यहाँ पर मुझे इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट में क्या, ये कंडीशन चेक करूँगा, फॉल्स हुआ तो इसमें आऊँगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें चेक करूँ, डायरेक्ट आपको वैल्यू पता है, डायरेक्ट उसमें वो मूव हो जाएगा। डायरेक्ट अगर यहीं पर कंडीशन अगर मुझे पता चल गया कि किस में जाना है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। तो इस केस को हटाने के लिए, ऐसा ईजी करने के लिए स्विच केस का कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ पर अभी स्विच में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, अगर 4 लिखा तो 4 वाला केस रहेगा, उस पर डायरेक्ट चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे अगर मैंने 1 यहाँ पे पुट किया तो स्विच क्या होगा, 1, तो 1 पे आ गया और स्टेटमेंट 1 रन किया। ओके, स्टेटमेंट 1 रन हुआ, और कभी भी प्रोग्राम लाइन बाय लाइन जाता है, तो इसके बाद इस पर आ जाएगा, फिर इस पर आ जाएगा, तो पूरा चीज़ रन हो जाएगा। लेकिन मुझे तो एक ही स्टेटमेंट रन कराना है जिस पे गया है वो डायरेक्ट, तो इस केस में आपको हर केस के नीचे ब्रेक लिखना पड़ेगा। ब्रेक का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए समझ लो ब्रेक क्या होता है। देखो, स्टेटमेंट 1 रन हुआ, उसके बाद क्या लिखा है, ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है लूप के बाहर आना, मतलब जो भी ब्रैकेट है उसके बाहर आ जाएगा डायरेक्ट लूप। ओके, तो जैसे 1 प्रिंट वैल्यू 1 दिया मैंने, तो स्विच 1 पे गया और स्टेटमेंट 1 रन किया, उसके बाद ब्रेक हो गया, मतलब आगे मत जाओ भाई, बाहर आ जाओ, इसका मतलब ये होता है। तो सारे केसेस के नीचे आपको ब्रेक लिखना पड़ेगा, नहीं तो सारे केसेस रन हो जाएंगे। ओके, अभी आप बोलोगे सारे केसेस वैल्यू, तो यूज़र ने समझ लो वैल्यू 3 ही तक है, केसेस 3 ही है,
लेकिन यूज़र ने अगर 5 डाल दिया, यहाँ पे 5 डाल दिया लेकिन यहाँ पे 5 केस तो है ही नहीं, तो क्या करेगा वो, कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट में जाएगा। डिफ़ॉल्ट मतलब लास्ट वाला जो अपना होता है ना पार्ट, एल्स पार्ट, तो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा डायरेक्ट। मतलब कि यूज़र ने इनवैलिड इनपुट डाला तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट में। तो आपको यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कराना, जैसे प्रिंट एरर, प्रिंट इनवैलिड इनपुट, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये था सिंटैक्स स्विच केस का, अगर आपको ये थोड़ा सा समझा है ओके। तो अभी इसके बाद हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लोग कैलकुलेटर का भी प्रोग्राम करके देख लेंगे इसमें, और स्विच केस का एक प्रोग्राम करते हैं और कैलकुलेटर का भी एक प्रोग्राम करेंगे इसमें ही हम लोग, तो आपको पूरा जो थोड़ा समझा है वो पूरा समझ जाएगा ओके। हेलो एवरीवन, यहाँ पे आज हम करने वाले स्विच केस का प्रोग्राम करने वाले हैं 2-3, जिससे आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा स्विच केस का। तो यहाँ पर अभी स्विच केस का जो सिंटेक्स था मैंने आपको बताया था, स्विच केस का सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पे स्विच लिखते थे और वैल्यू, और जो भी वैल्यू लिखेंगे उस केस में वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे केसेस हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ वैल्यू के बदले में नंबर ले लेता हूँ कोई नंबर, ओके नंबर ले लिया, या फिर कोई वेरिएबल का नाम आप डाल सकते हो स्विच नंबर। तो मान लो अगर वो नंबर 1 है तो केस 1 में ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ स्टेटमेंट प्रिंट ONE, ओके ONE। तो अगर 1 यूजर ने डाला, जैसे int number इक्वल टू 1, तो यूजर ने नंबर में 1 डाला, ओके यूजर ने नंबर में 1 पुट किया, तो यहाँ पे स्विच 1 डायरेक्ट केस 1 पे आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा ONE। तो इसी तरह से अभी केस 2, तो केस 2 क्या होगा हमारा प्रिंट, अगर यूजर ने 2 पुट किया उसमें नंबर में, तो आना चाहिए आंसर TWO 2, ओके। तो इसी तरह से मैं ज्यादा नहीं डालता हूँ, 5 तक केस ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है। तो जैसे अभी नंबर मैंने अगर यहाँ पे 3 पुट किया और नंबर में आ जाएगा 3, यहाँ पर स्विच 3, तो डायरेक्टली केस 3 में वो मूव हो जाएगा और प्रिंट यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो रन करके हम देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है इसका। तो यहाँ पे बहुत सारा एरर आ रहा है कि, तो एरर का एकदम सिंपल एरर है कि बोल रहा है कि स्विच केस मे फॉल थ्रू द नेक्स्ट केस, ओके तो मतलब वो बोल रहा है कि अगर केस में, यहाँ पे अगर मैं 1 लिख, देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे अगर जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पर बताया कि नंबर अगर मैंने 1 लिया तो केस 1 में आया और ONE प्रिंट हो गया, तो ये नेक्स्ट केस में भी चला जाएगा क्योंकि प्रोग्राम लाइन बाय लाइन रन होता है, तो मुझे नेक्स्ट केस में ट्रांसफर नहीं होना है, तो इसलिए मुझे हर केस के नीचे ब्रेक लिखना पड़ेगा, ओके तो हर केस के नीचे मुझे ब्रेक लिखना पड़ेगा। और ब्रेक का यूज क्या है कि एक बार ये प्रोग्राम, ये वाला स्टेटमेंट रन हो गया तो तुरंत वो बाहर आ जाएगा, बाकी लाइन में नहीं जाएगा प्रोग्राम, ओके तो सारे केस के नीचे हमें ब्रेक लिखना ही पड़ेगा स्विच केस में, आपको हमेशा याद रखना है। ब्रेक, तो सारे कंडीशन के नीचे आपने सारे केसेस के नीचे ब्रेक लिख दिया। अब ब्रेक लिखने के बाद अब रन करके देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या है। 1 है तो आंसर आना चाहिए, केस 1 पे डायरेक्ट मूव हो जाएगा और ONE आएगा आंसर यहाँ पर, ओके तो ऐसे ही अगर मैं इसको चेंज करके देखूं 5 पुट करूं तो क्या है आना चाहिए आंसर, यहाँ पे 5 आना चाहिए, ओके तो 5 आ गया आंसर, तो केस 5। तो इसी तरह आप कोई भी केस में डायरेक्टली मूव कर सकते हो, तो स्विच केस बहुत अच्छा है इसका। हम लोग एक और प्रोग्राम करते हैं, जैसे आप बोलोगे कि इधर नंबर ही क्यों ले रहे हो, नंबर के बदले कुछ कैरेक्टर क्यों नहीं ले रहे हो, तो कैरेक्टर भी ले सकते हैं। तो इंट को मैं चेंज करके वैर कर देता हूँ, वैर मतलब कोई भी वेरिएबल, मतलब कुछ भी स्ट्रिंग ले लो, कैरेक्टर ले लो, नंबर ले लो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर वैर ले लोगे तो, ओके तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ कुछ स्ट्रिंग ए ले लिया मैंने, अगर ए, ओके तो नंबर में क्या आएगा, ए आएगा, और केसेस यहाँ पर मुझे सब चेंज करने पड़ेंगे, ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे ए, क्योंकि मैंने वेरिएबल यहाँ पे क्या लिया, देखो ये कौन सा टाइप है, स्ट्रिंग टाइप का ये, ओके क्योंकि डबल, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग कुछ भी चीज लिखते हैं तो स्ट्रिंग हो जाता है, तो ये जो वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, तो यहाँ पे केसेस जो होंगे वो भी स्ट्रिंग टाइप के ही केसेस होना पड़ेगा हमें, ओके तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बी केस,
यहाँ पे मैंने लिख दिया सी केस, यहाँ पे मैंने लिख दिया डी केस, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ई केस, ओके केस ई। अब रन करके देखते हैं हम क्या आएगा। तो नंबर में क्या गया ए, तो ए वाले केस पे मूव हो गया और आंसर आया ओ एन ई वन। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा सी, नंबर में मैंने सी पुट कर दिया, तो सी पुट कर दिया तो कौन से केस में जाएगा, सी वाले केस में, और थ्री पुट थ्री प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप प्रोग्राम कर सकते हो, चेंज कर सकते हो केसेस का यूज करके। तो यहाँ पर मैं एक और प्रोग्राम आपको बता देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इतना पार्ट, ओके। तो यहाँ पर मैं अभी एक प्रोग्राम आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक और प्रोग्राम करके बताता हूँ, कैलकुलेटर बनाना आपको बताता हूँ, कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस, कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस हम बनाते हैं। तो कभी भी कैलकुलेटर के लिए दो वैल्यू चाहिए रहते हैं हमें, एक वैल्यू ए में मैंने ले लिया, 5 ले लिया मान लो, 10 ले लिया, और दूसरा वैल्यू हमें चाहिए रहता है बी इक्वल टू मैंने 5 ले लिया, ओके 5 ले लिए। दो वैल्यू में कभी भी हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन करना पड़ता है, तो दो वैल्यू हमने ले लिया। अब तीसरा वैल्यू हम ले लेते हैं आंसर, आंसर इक्वल टू अभी हम 0 ले लेते हैं, आंसर में कुछ भी नहीं आया, ओके मल्टीप्लीकेशन डिविजन करके हम लोग यही वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे। स्विच ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हमें केसेस डिक्लेयर करने पड़ेंगे, केस केस स्ट्रिंग ले लेते हैं हम लोग प्लस, स्ट्रिंग में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, देखो मैंने प्लस स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हो, यहाँ पे आपको वेरिएबल लगा ए एक नंबर लेने के लिए, दूसरा नंबर लेने के लिए आपने बी लिया, और आंसर स्टोर करने के लिए आपने आंसर करके वेरिएबल लिया, और एक और वेरिएबल ले लेता हूं मैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, स्ट्रिंग ऑपरेटर, आप ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करोगे उसके लिए भी, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया प्लस, ओके प्लस ऑपरेटर ले लिया स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, ऑपरेटर नंबर कैरेक्टर टेक्स्ट कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग में, ओके। तो मैंने यहाँ पर प्लस स्टोर किया, और यहाँ पर मैं स्विच करूंगा ऑपरेटर, ऑपरेटर वेरिएबल में लिख दूंगा यहाँ पर, ओके। तो प्लस क्या होगा इसके अंदर आ जाएगा और प्लस वाले केस में मूव हो जाएगा। तो प्लस वाले केस में हमें क्या ऑपरेशन करना है, दो वैल्यू को प्लस करके आंसर में पुट करना है। तो आंसर में मैंने पुट कर दिया ए प्लस बी, तो यहाँ पे जैसे ही ऑपरेटर में प्लस गया तो एक केस इस पे आ जाएगा और आंसर इक्वल टू ए प्लस बी, जो भी ए प्लस बी 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, और 15 आंसर में स्टोर हो जाएगा, और इसी के नीचे आपको यहाँ पर या तो उसके बाजू में ही प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट प्रिंट कर देता हूं मैं आंसर, ओके। तो प्रिंट कर दिया आंसर, और कभी भी कोई भी केस ब्रेक के साथ क्लोज करना पड़ता है, ओके। तो ब्रेक आपको लिखना जरूरी है कोई भी केसेस में। तो ये आपने प्लस ऑपरेटर के लिए बना दिया, तो इसी को मैं कॉपी करके माइनस के लिए भी बना देता हूं, ओके। तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया पूरे को, और यहां पर मैंने पेस्ट किया, यहां पर मैंने प्लस किया, यहां पर मैंने पेस्ट किया। तो अपना कैलकुलेटर सिर्फ माइनस के लिए होगा, और मल्टीप्लीकेशन के लिए होगा, और डिवीजन के लिए होगा, ओके, या तो डिवीजन, ओके डिवीजन के लिए होगा। तो इसको मैंने ब्रेक ओपन किया, ब्रेक के नीचे स्पेस दिया, और ये केस को मैं थोड़ा सा आगे कर देता अच्छे करने के लिए, ओके। तो अभी माइनस वाले ऑपरेटर अगर मैं इधर में माइनस डालूं तो ए वाले केस में आएगा, और यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा हमें ए माइनस बी, और मल्टीप्लीकेशन में हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, और डिवीजन में हमें यहाँ पर डिवीजन करना पड़ेगा। तो डिवीजन कर दिया, तो यहाँ पर हमने डिवीजन किया, लेकिन एरर आ रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर एरर क्या शो कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कांट बी असाइन टू द वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, तो इंट टाइप, अभी देखो आंसर जो है अपना वो इंट टाइप का है, यहाँ पर क्या किया मैंने आंसर इंट टाइप का है। जब हम ए को डिवाइड करेंगे बी से, जब कोई भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है पॉइंट में आता है, और पॉइंट में आता है तो वो डबल होता है, तो डबल को हम लोग इंट में नहीं असाइन कर सकते, ओके। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो डबल वैल्यू आएगा इसको ब्रैकेट में रखते हैं हम, जो भी डबल वैल्यू आएगा उसको टू इंट कर देते हैं, टू इंट, ओके टू इंट कर दिए। तो आप इसका टाइप कास्टिंग भी ऐसा कर सकते हो कि कोई भी वैल्यू जो आता है उसको टू इंट टू स्ट्रिंग कुछ भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, टू डबल भी ऐसा कर सकते हैं। तो आप रन करके देखते हैं हम लोग की क्या आंसर आने वाला है।
तो 15 आया, क्यों 15 आया, क्योंकि ए में क्या था 10 और बी में क्या था 5, ओके, और आंसर में 0 था और ऑपरेटर में मैंने प्लस दिया, तो ऑपरेटर यहाँ पे स्विच ऑपरेटर प्लस, तो प्लस वाले केस में गया और आंसर यहाँ पे प्लस हुआ और आंसर में आया, आंसर में कितना आया 15 आया, तो इस तरह से हुआ। अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटर में अगर माइनस में पुट करता हूं तो क्या आना चाहिए आंसर, ए माइनस बी करूंगा मतलब 10 - 5 कितना आना चाहिए आंसर 5, ओके 5 आया। अभी मैं डिवाइड करके देख लेता हूं, यहां पर डिवाइड, डिवाइड किया मैंने, रन किया, ओके, तो अब कितना आना चाहिए डिवाइड करने पे, 10 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 2, तो आंसर आया इज 2, ओके। तो अगर आप बोलोगे कि पॉइंट वाला नंबर कुछ लेके देखूं, अगर 13 मैंने लिया तो 13 में तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो कितना आना चाहिए आंसर, यहां पर 2 ही आएगा, क्यों 2 आएगा, क्योंकि 2 आएगा क्योंकि इसको हमने इंट में किया, जो भी पॉइंट के बाद वाला नंबर रहेगा ना वो हट जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंट में सिर्फ इंटीजर नंबर लेते हैं, पॉइंट के बाद वाला नंबर को छोड़ देते हैं, ओके। तो इस तरह से आपका बन गया कैलकुलेटर। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अगर ऑपरेटर कुछ और ही ले लिया, जैसे ऑपरेटर परसेंटेज ले लिया, तो परसेंटेज का केस तो हमने बनाया नहीं है, ओके, तो परसेंटेज का केस बनाया नहीं है तो क्या आना चाहिए आंसर, कुछ नहीं आया यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एक डिफॉल्ट केस आपको बनाना पड़ेगा, डिफॉल्ट मतलब अगर यूजर ने और कुछ डाल दिया इनपुट, ओके, मतलब जो है नहीं केस वो डाल दिया, तो आप यहाँ पे प्रिंट करा के दिखा सकते हो कि इनवैलिड इनवैलिड इनपुट लिख दो, इनवैलिड इनपुट, ओके, या तो एरर आपको जो शो कराना हो, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे ब्रेक, ब्रेक हो जा और एक सेमी कॉलन क्लोज, तो अब आंसर आएगा, देखो क्या ऑपरेटर मैंने परसेंटेज लिया तो आना चाहिए आंसर इनवैलिड इनपुट। तो इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से आप बना सकते हैं स्विच केस का, बहुत सारा प्रोग्राम अपने मन से कर सकते हो, कोई भी प्रोग्राम, ओके। तो ये था हमारा स्विच केस का प्रोग्राम, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम मिलते हैं, जहां पर हम देखेंगे लूप्स क्या होते हैं, तो लूप के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे वेरियस टाइप के लूप देखेंगे, फॉर लूप देखेंगे, व्हाइल लूप देखेंगे, डू व्हाइल लूप क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।